सलमान खान ने कर ली है 2019 की सबसे बड़ी बुकिंग, ईद के बाद क्रिसमस पर धमाका। जी हाँ दोस्तों, मैं अवध और आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल बॉलीग्रैंड स्टूडियोज के एक और नए वीडियो में। सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा की 2010 में आई फिल्म दबंग को आज 8 साल पूरे हो गए हैं। इस खास दिन को और भी ज्यादा खास बनाते हुए सलमान ने दबंग 3 की रिलीज भी कंफर्म कर दी है। 2010 में दबंग रिलीज हुई थी, जिसके 2 साल बाद इसकी सीक्वल फिल्म रिलीज हुई। यानी पिछले 6 साल से सलमान के फैंस दबंग की अगली सीरीज का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार आज सलमान ने इसकी रिलीज का ऐलान कर अपने फैंस को एक बड़ा तोहफा दे दिया है। सलमान ने अपने इंस्टाग्राम पर सोनाक्षी संग एक तस्वीर शेयर कर इस बात की जानकारी दी। सलमान ने कैप्शन में लिखा, आज 8 साल हो गए दबंग को, आप सभी को प्यार और प्रशंसा के लिए रज्जो और चुलबुल पांडे की तरफ से धन्यवाद, मिलते हैं दबंग 3 में अगले साल। सोनाक्षी ने भी फिल्म दबंग की एक तस्वीर शेयर की, साथ ही एक प्यारे से कैप्शन के साथ सलमान, अरबाज और अभिनव कश्यप को शुक्रिया कहा। खबरें हैं कि सलमान को कई बार दबंग 3 की स्क्रिप्ट भेजी, लेकिन सलमान को हर बार स्क्रिप्ट में कुछ न कुछ कमी दिखाई दी और उन्होंने फिल्म की कहानी वापस से ठीक करने को भेज दी। एक समय के बाद अरबाज इस बार बार के काम से झुंझला चुके थे। इस साल के कुछ महीनों पहले ही फिल्म कन्फर्म हुई थी। खबर थी कि सलमान की फिल्म पर जून जुलाई से काम शुरू हो जाएगा और फिल्म दिसंबर में रिलीज होने को तैयार हो जाएगी, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ये खबर अफवाह ही निकली। अब सलमान ने खुद फैंस को वादा किया है कि अगले साल दबंग 3 के साथ मिलते हैं। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि सलमान खान अब और क्या नया धमाका करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट एंड नोटिफिकेशंस।